शाहनवाज हुसैन, देखिए उसके लिए अलग मौका मिलेगा, कोई और दिन आएगा जिस दिन आपकी पूरी बहस इस बात पे करा देंगे कौन किस पार्टी में था किस में नहीं था। आज का विषय यह है तो क्या सचिन पायलट बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि ओम माथुर ने कहा अगर हमारी विचारधारा कबूल है तो हमारा तो वेलकम है उनको। देखिए रोहित जी, सचिन पायलट के बारे में मैं कह रहा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेहनत की, केंद्र में भी रहे, लेकिन दिक्कत अशोक गहलोत, मेरा कहना ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा नहीं है। आशुतोष जी कह रहे हैं उनको दिल्ली लाकर उपाध्यक्ष बना देना चाहिए, वर्किंग प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। यहाँ अगर सचिन पायलट या टैलेंटेड लीडर आएंगे तो जो परिवार में राहुल जी और प्रियंका जी जो स्थापित हैं, कम उम्र में गौरव जी और वल्लभ जी ने कहा कम उम्र में ये दिया वो दिया, अरे मेरी पार्टी ने तो कम उम्र में सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मंत्री बना है। तो पार्टी बनाती है तो पार्टी का ये निर्णय होता है। आप ये कहेंगे कम उम्र में दे दिया तो बाद में अपमानित करेंगे उनको, अपमानित करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, वो आज की आपकी पार्टी से गए भी नहीं, अभी कांग्रेस में है। अभी से जो अजय आलोक जी ने कहा आप उनको थे बता रहे हैं, जाता हुआ बता रहे हैं उनके बारे में, उनका पहले कल पोस्टर नोच दिया। सवाल यह है कांग्रेस के अंदर वर्टिकल डिवीजन है, परिवार से जुड़े हुए नेता एक तरफ है और जो परिवार की निष्ठा है और एक कांग्रेस से जो निष्ठा है, जिनकी कांग्रेस से निष्ठा है उनको किनारे किया जा रहा है। नहीं समझ और भारतीय जनता पार्टी बाहर रहकर हम विपक्ष के नाते स्थिति पर नजर बनाए हुए। शाहनवाज जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपके प्रतिद्वंदी कमजोर पड़ रहे हैं, उनमें टूट हो रही है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप सचिन पायलट के लिए दुखी ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्यों? नहीं, हम उनके खुशी या गम में शामिल नहीं है कांग्रेस के। हम तो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जब खुद ही जब माही कश्ती डुबाए तो उसे कौन बचाए। जब कांग्रेस का जो आज नेतृत्व कौन है, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उसके बाद आप चौथा व्यक्ति कह सकते हैं जो कांग्रेस नेतृत्व कहा जाए, कांग्रेस हाईकमान कहा जाए, नहीं कह सकते, मैं जानता हूं। इसलिए अगर राहुल जी को, सोनिया जी को और प्रियंका जी को मालूम है कि अशोक गहलोत उनको अपमानित कर रहे हैं, मैंने राजस्थान में जाकर एक साल पहले प्रेस किया था कि कहीं भी बैनर में डिप्टी सीएम की फोटो नहीं, कहीं उनको कोई अधिकार नहीं, जो सरकार लाया वो सरकार के किनारे सिर्फ मंत्री पद देकर बैठाया हुआ है। तो हमारा कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर खुदकशी पे आमादा है तो उसे कौन बचाएगा? मतलब आप साल भर से उनको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे? नहीं, डॉक्टर जिसकी परिणति ये हुई है, डॉक्टर ही नहीं, मैं कह रहा हूं अगर डॉक्टर ही, डॉक्टर किसको बचाएगा? अगर मरीज खुद जीना ना चाहे, जीने की इच्छा खत्म हो जाए तो क्या किसी को कोई जिला सकता है? ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार करी। ओके। हम लोगों को टेलीविजन पर आकर कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी का कैसा कैसा अपमान टेलीविजन पर बैठ कर किया जाता है, मैं तो वाणी संयम नहीं तोड़ता। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि मैंने जो बात कही थी जिससे गौरव जी नाराज हो गए, अरे बीजेपी में आना तो स्वाभिमान की बात है सर। ठीक है, आपको स्वाभिमान की बात है। ओके सर, उसको छोड़ते हैं, उससे आगे बढ़ गए। गौरव बल्लभ फटाफट बोलिए, फिर आशुतोष और अजय आलोक के पास जा रहा हूँ। गौरव बल्लभ, मैं निवेदन करूंगा उसको छोड़ दे, लेकिन फिर भी आप बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन उसको बहस का विषय ना बनाए, बहस का विषय सचिन पायलट है। मैं अजय आलोक जी ने जो बात कही वहीं से चालू करूं। जी अजय आलोक जी, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनने से पहले 3 बार लगातार सांसद रहे, 2004, 2009, 2014। और रही बात जो शहनवाज जी बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता, अरे शहनवाज जी थोड़ा तो सोचिए, 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी तो 35 साल से कम उम्र के 18 मंत्री थे। आज है क्या आपकी इस कैबिनेट में? शहनवाज भाई, आप जैसे अच्छे व्यक्ति को टिकट तक नहीं देती है पार्टी, दुख होता है ना, इतने बड़े केंद्रीय मंत्री रहे हुए आदमी को बिहार से टिकट तक नहीं मिलता है। आपकी आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे, मैं मानता हूँ। तीसरी बार आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है। शहनवाज भाई सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, गौरव जी वो टिकट बांटने वाली कमेटी का सदस्य हूँ, भाजपा में दुख होता है ना। गौरव जी वो कह रहे हैं मैं सचिन पायलट नहीं बन पाऊंगा, मेरे ऊपर आरोप लगाए। मैं आपको बताना चाहता हूं शहनवाज भाई, मैं सीए इंस्टीट्यूट का निदेशक था तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर सकता हूं। आप ऐसी बेतुकी बातें टीवी पर आके करके अपनी हंसी क्यों उड़वाते हो आप?
सर गोपाल जी के साथ और अरे मैं सीए इंस्टीट्यूट का निदेशक था। अच्छा सर ठीक, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मान लिया सर, आप क्लास देने जाते होंगे बीजेपी में, छोड़ देते सर इस बात को। शाहनवाज जी आपके नेताओं को पढ़ाने आते होंगे अर्थशास्त्र। क्यों उड़ाते हो।